कोई सुनवाई न करा हमारा, इतना फैक्ट्री वाला इतना आदमी मर गया, वो कुछ कोई सुनवाई न करा। अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, दागर खबर में आपका स्वागत है, मैं हूँ शहजाद। कब की घटना है ये? 3 दिन हो गए सर। 20 तारीख की रात 8 बजे, और हमें बताया भी नहीं, हमारे बच्चे जल गए और हमें फोन भी नहीं करा। कहाँ पे जले? फैक्ट्री में ही जले ये रात को। मेरा भाई 7 बजे कंपनी में गया था, कंपनी का नाम अल्फा इंडस्ट्री। कहाँ पर है ये कंपनी? ये टोनिका सिटी में है ये कंपनी। दोनों भाई हम काम करते थे, मेरे पैर में प्लास्टर था, मैं इसलिए नहीं गया है। और ये 3-4 जने थे रात की शिफ्ट में, और आग लगी, और आग लगने के बाद इन्होंने किसी ने भी घर पे कोई कुछ नहीं बताया कि बच्चा जिंदा है या नहीं है, मर गया है, कुछ नहीं बताया। फिर 12 घंटे बाद मैं गया हूँ, ये रही और मेरे भाई की फोटो, और फोटो भी है इन दोनों भाई की। अपना तो फैक्ट्री का माल संभाल लिया, सारा माल तो निकाल लिया, हमारे पास फोन भी नहीं गया। आपके पास फोन भी नहीं गया? फोन भी नहीं गया। बच्चों की फोटो ये दोनों बच्चे मर गए, पर माल सबको आप कौन लगे? सिस्टर जो मृतक है, जो हाँ जी उसकी छोटी बहन। छोटी बहन घर में परिवार में बड़े भाई थे जी? सबसे बड़े भाई है वो, शादीशुदा है वो। हाँ जी ये उनकी वाइफ है। बच्चे तो ये छोटे छोटे ये लड़की है उनकी, तो कमाने वाले वही थे। हाँ जी कोई नहीं, कोई सहारा नहीं दूसरा? नहीं कोई सहारा। तो दूसरे मृतक के परिवार कहाँ पर? ये है, हम ही हैं दूसरों के। हम 3 जने घर में, दो भाई और एक मम्मी और एक बहन। फैक्ट्री मालिक का क्या कहना? मालिक तो सामने ही नहीं आ रहा, उन्होंने तो यही नहीं बताया कि तुम्हारा बच्चा मर गया है जिंदा है, उन्होंने तो यही नहीं बताया। मालिक ही गायब है, मैनेजर भी गायब है, सबके फोन स्विच ऑफ है। और पुलिस वालों से पूछो तो पुलिस वाले बोलते हैं कि अभी तुम्हारे बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी बता देंगे। जिस समय हादसा हुआ आपको कोई सूचना नहीं दी? नहीं, 11 घंटे तक तो मैं किसी को कुछ नहीं, मैं 12 घंटे बाद मैं खुद गया हूँ। मैंने सोचा मम्मी लगता है ड्यूटी डबल ड्यूटी हो गई। बोलने का मतलब एक बोलो, मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई चीज़ हो गया मेरा, मैं अगर कहीं काम कर रहा हूँ 24 घंटा, अगर मेरे को नहीं मिल रहा बच्चा, मेरा माँ बाप अगर जा रहा है, मेरा भाई है, अगर मेरा भाई अगर आगे जा रहा है तो मेरे को क्या कह रहा पुलिस वाला? जो अभी सुरक्षित रहो, तुम्हारे बच्चे ठीक है, तो ये कहाँ गया? नहीं ये सब ये बताओ। बिल्कुल 72 घंटे हो गए और ये बता नहीं पा रहे। क्या नाम आप? मेरा ललिता नाम है। जो मृतक है, जो हादसे हमारे हैं, जिनकी मौत हुई है, उनकी क्या लगती है आप? मेरे मकान में रहती थी, किराए में रहती है। आपके मकान में किराए में? हाँ। कितने बच्चे हैं उनके? उसको एक लड़की है। परिवार में और भी कोई कमाने वाला है कि अकेले वही अकेली थी? अकेली अलग रहती थी किराए में, सास ससुर से अलग से रहती थी। और वो बोल रहे हैं 1 लाख रुपए ले लो और छोड़ दो सारा, बात खत्म करो। 1 लाख रुपए एक इंसान की जिंदगी के 1 लाख रुपए बोले ये, अगर आज तो हमारा हुआ है, कल में से किसी और का भी यहाँ पे बच्चे काम करते होंगे और दूसरी फैक्ट्री में उनका हो जाएगा, फिर उन्हें भी 1 लाख रुपए दे दो, हम 20-2 साल सारे बच जाएंगे। 1 लाख रुपए दे दो, गोली मार दो किसी को भी है। आप क्या चाहते हैं? ये जो जब से अमीर अमीर लोगों के लिए तो फायदेमंद है। आप क्या चाहते हैं भट्टी में? आप क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरी मम्मी क्या है और इनकी जो छोटी सी लड़की है उनके लिए कुछ हो जाए। मेरे तो बस वो एक वहाँ अंदर वही कमाते थे घर में, मेरी माँ है बस, और कौन है अंदर? कौन कौन अधिकारी मौजूद थे? कोई भी नहीं आया अभी यहाँ पे, कौन आया? और वो भी वो अपनी तरफ से आए हैं, उसकी तरफ से मालिक की तरफ से बाहर से भेज रहा है लोगों को। फैक्ट्री मालिक अभी भी मौजूद नहीं है? मालिक तो आ ही नहीं रहा सामने, मालिक सामने ही नहीं आने को राजी हो रहा। मालिक बोल रहा है ये बोल रहा है 1 लाख रुपए दे दो बस, बात खत्म करवा दे, 1 लाख रुपए दे के बात खत्म करा दो। कोई करे ना पकड़ रहे ना कुछ हो रहे, पूरे 8 बजे 7 बजे वो ड्यूटी की ज्वाइन करी उनने, 7 बजे 30 तारीख को उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करी। 31 की सुबह 12 बजे मेरे को किसी ने नहीं बजाया, 1 बजे मर गए, फिर गली घूम गई, 12 बज गए किसी ने नहीं बताया। पुलिस वालों से पूछा भाई बता दो, मैंने सोचा पहले कि शायद आग लगी है, बच्चे भाग गए होंगे, मेरा भाई भी भाग गया होगा, मैंने तसल्ली करी भाई भाग गया होगा शायद, कोई नहीं मरा, ये ऐसी बताए थे मेरे को लगा कोई नहीं मरा। तो फिर आपको कैसे पता चला? फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर इनके पास घूमा, फिर मैंने थोड़ा हिम्मत करी अंदर घुसा, अंदर घुसने के बाद जब मेरे को पता लगा आग तो ज़्यादा लगी है, फिर मेरे को डर लगा, फिर मैंने मम्मी को बताया मम्मी यहाँ तो आग ज़्यादा लग गई। मम्मी को इस फैक्ट्री का एड्रेस भी नहीं पता था, हमने बताने अगर हम नए रहते तो वहाँ पे हम, मैं मम्मी को लेके गया थाने में, थाने में लेके आ रहा हूँ, इन्होंने कुछ नहीं बताया। कितनी देर हो गई, कोई फैसला सुना आपने? कोई फैसला नहीं। फैक्ट्री मालिक मौजूद थे, आपकी उनसे क्या बात? फैक्ट्री मालिक नहीं था वो,
क्या कहा उन्होंने? वो तो कह रहे हैं 1,00,000 रुपए लो और क्या कहते हैं बस आराम से बैठ जाओ, आराम से कैसे बैठ जाएगा। हाँ, और पुलिस वाले भी कह रहे हैं हाँ 1,00,000 रुपए ले लो। ठीक है।